आज का हमारा नया एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम का ही, जिसके अंदर यूडीएल भी लग रहा है और अपना एक पॉइंट लोड भी आ रहा है। ठीक है जी, एक हमारा यूडीएल भी आ रहा है और पॉइंट लोड भी आ रहा है, और ये हमारा स्पान आ गया 6 मीटर का। ठीक है जी, देखो यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, यहाँ पे यूडीएल भी लग रहा है और पॉइंट लोड भी लग रहा है। ऐसी कंडीशंस भी आती हैं कई जगह। अब इसको हम एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने वही बताया आपको, टोटल लोड यानी कि आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू टोटल लोड बताया होगा आपको। ये जितना लोड आएगा उतना लोड कौन रिएक्ट करेगा इसको। यदि कोई मान लो ये मेरे एक एक बीम है, इस बीम के ऊपर लोड आ रहा है और ये सपोर्ट्स हैं, ऊपर से यदि लोड आता है उसको उतना ही रिएक्शन ये ना दे तो बीम तो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जितना लोड आ रहा है उनको, उस लोड को कौन रजिस्ट कर रही है, ये दोनों सपोर्ट रजिस्ट कर रही हैं। तभी तो मैंने लिखा आर ए प्लस आर बी, आर बी आर ए का मतलब रिएक्शन एट पॉइंट ए और रिएक्शन एट पॉइंट बी। आप देखिए, मान लो ये बीम है मेरा, ये वाला बीम है, इस बीम पे यदि यहाँ वेट ज़्यादा आता है तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन लग रही है उसको ज़्यादा ज़्यादा रिएक्ट करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको ऊपर उठाने में। ठीक है, तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आर ए आर बी इक्वल आए, उनको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू टोटल लोड। ठीक है, अब क्या है, एक पहले देखते हैं टोटल लोड किसके बराबर है। ये कितना लोड है अपना, 4 × 1.5 यूडीएल है, प्लस यहाँ लिख लेती हूँ, चलो 4 × 1.5 प्लस आपका पॉइंट लोड आ रहा है 5 किलो न्यूटन का, प्लस 2 × कितने पे लग रहा है ये लोड, 3 मीटर पे। तो ये टोटल कितना बन गया अपना, 6 + 5 1.5 × 4, ये 1.5 × 4 प्लस 11 ये आपका बन गया 17 किलो न्यूटन। ठीक है जी, आप कैलकुलेशन थोड़ा और चेक कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, एक इक्वेशन बन गई हमारी। अब क्या ये आर ए, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू क्या बन गया अपना, 17 किलो न्यूटन बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक इक्वेशन बनी है, दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, टेकिंग मूमेंट अबाउट ए के अबाउट हम लोग क्या लेंगे, मूवमेंट लेंगे। कैसे मूवमेंट लेंगे, वही इस पे फिक्स करो, इस उंगली को घुमाओ, आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर बी इंटू 6 है ना, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव नेगेटिव वो मैंने बताया ना, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लेना। कोई एंटी क्लॉकवाइज को अपवर्ड जा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज को कोई पॉजिटिव लेता है, कोई क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेता है, लेकिन हमें अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव। ठीक है, ये गया। अब क्या है, इसका आएगा 5 × परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट लोड है ना, माइनस 5 × परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, ये 3 था, ये 1.5 हो गया आपका, तो कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 है, तो 1.5 यानी कि हो गया आपका 4.5 माइनस। अब आपका इस यूडीएल का भी निकालना पड़ेगा अपने को, इस यूडीएल का क्या होगा, टोटल लोड कितना हो गया, 2 × 3 कहाँ लाई करेगा, इसकी सीजी पे, इसकी सीजी कितनी होगी, 3/2, लेकिन हमसे कितनी दूरी पे है वो सीजी, इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है, इसकी सीजी 1.5, यहाँ से कितनी, +3 और कर देंगे। ठीक है, अब इसका लोड आ गया -4 × 1.5 × 1.5/2, चेक कर लेते हैं ये कितना आता है, 1.5 × 1.5 × 2 प्लस 3/2 कितना हो गया, 1.5, 6 × 4.5, ठीक है, प्लस 4.5 × 5 डिवाइडेड बाय 6, यानी आर बी की वैल्यू आ गई आपकी 9 किलो न्यूटन। आर बी 9 किलो न्यूटन है, तो आर ए प्लस आर बी हमें पता है 17 है, आर ए कितना हो जाएगा, 17 − RB यानी कि 17 − 9 ये कितना आ गया अपना, 8 किलो न्यूटन आ गया। आर ए की वैल्यू आ गई 8 किलो न्यूटन, और आर ए 8 किलो न्यूटन आ गया, और आर बी आ गया आपका 9 किलो न्यूटन। मैंने आपको अभी बताया था जिस साइड लोड ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा रिएक्शन देनी पड़ेगी, इस साइड देखो लोड ज़्यादा है तो इसको रिएक्शन भी ज़्यादा देनी पड़ रही है। ठीक है,
सबसे पहले वही काम, हर पॉइंट पे आप शेयर फोर्स निकाल लीजिए। अब सी पॉइंट पे, यानी कि आर ए और एफ ए इक्वल होंगे ए पॉइंट पे, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे 8 किलो न्यूटन ही होगा हमारा। अब मैं निकालती हूँ एफ सी, यानी कि शेयर फोर्स, ये क्या हो रही है अपनी शेयर फोर्स कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। सबसे इजी चैप्टर लगेगा अब आपको ये कॉन्सेप्ट यदि आ गया तो सारा स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियर अच्छे से बन गया, ठीक है जी। एफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी आपका, मैंने क्या कहा था, जिस पॉइंट पे खड़े उस पॉइंट से जा इस साइड देखो आप, ठीक है। आपका 8 किलो न्यूटन ऊपर आ रहा है, रिएक्शन नीचे कितने जा रही है, 4 × 1.5 माइनस का नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हो गया 1.5 × 4 माइनस 8, ये कितना आ गया 2 किलो न्यूटन का आ गया, कितना आ गया आपका ये 2 किलो न्यूटन आ गया। अब आप चलो इस पॉइंट पे एफ डी पे चलते जाओ भाई, एफ डी पे आप देखो, एफ डी पे भी कितना जा रहा है, 8 जा रहा है, 4 × 1.5 जा रहा है, इस साइड कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं तो इतने का इतना ही लोड आएगा 2 किलो न्यूटन का ही। अब आप आ जाओ इस पॉइंट पे, ये सी डी, ये वाला पॉइंट ले लेती हूँ मैं, ई पॉइंट, ई के जस्ट इस साइड, ठीक है थोड़ा सा इधर, तो ई के आप थोड़ा सा इस साइड देखते हो, एफ ई कितना आ जाएगा आपका देखिए आप एफ ई पे आप आते हो, इधर से आपका 8 गया, ये आपका 4 × 1.5 गया, यहाँ से आपका 2 × 1.5 गया, ये देखो 2 × 1.5 गया इधर। आप इस पॉइंट पे खड़े हो माइनस ये 5 भी थोड़ा सा जस्ट इस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर, इस पॉइंट से जस्ट इधर, ताकि ये सारा दिख चेक सके आपको, माइनस 5 गया ये, तो ये कितना हो गया आपका 3 − 5 यानी कि −6 नहीं आ जाएगा क्या, शायद −6 किलो न्यूटन आ गया, चेक करूँ क्या एक बार दोबारा मैं, 1.5 × 4 + 3 + 5 − 8 ठीक है 6 ही आ रहा है, ठीक है जी। और एफ बी तो आपको पता ही है, एफ बी इज इक्वल टू आर बी होता है, वो कितना है अपना 9 किलो न्यूटन का है, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो उसको, ठीक है जी, ठीक है। −9 आएगा, ये −9 ही आएगा, नीचे की तरफ जाता है ना हमेशा ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत ही इजी अच्छा, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, वही बनाते हैं इसका, जो बीम हमें गिवन बीम है वो गिवन बीम बना लेते हैं। गिवन बीम के अंदर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है अपना, और यहाँ पे अपना क्या लगा हुआ है, एक ये 1.5 मीटर है, और ये भी आपका 1.5 मीटर है, और ये शायद आपका 3 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक कितना, ये 1.5 मीटर का है, ठीक है। अब हम लोगों को कुछ नहीं, वही प्रोजेक्शन लेंगे हम, यहाँ पे ले ली हमने प्रोजेक्शन, और आपने क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने बताया था, इस पॉइंट पे जो आपका शेयर फोर्स है वो किसके बराबर है, रिएक्शन के इक्वल, ये आर ए के बराबर। अभी देखो आर ए कितना था, 8 किलो न्यूटन, चलते जाओ 8 किलो न्यूटन, चले गए हम लोग 8 किलो न्यूटन यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आप जा रहे हो यहाँ एफ सी पे, एफ सी इज इक्वल टू आपका आता है 2 किलो न्यूटन का, ठीक है जी। तो आप इस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट आपका ये है ना, रेफरेंस पॉइंट कौन सा आपका, ये है 2 किलो न्यूटन, यहाँ आ गया आपका 2 किलो न्यूटन, ये ए बी सी डी और ये आ गया आपका ई, ठीक है। एफ सी पे इतना आ गया, एफ डी पे भी आपका 2 का 2 ही है, ठीक है जी, 2 का 2 ही आ गया। एफ ई पे आपका −6 है, एफ ई क्या मतलब, यहाँ पे आपका कितना है, आपका −6 ही था ना, चेक कर लेना, हाँ ठीक है, आपका यहाँ −6 है, −6 का मतलब क्या हो गया, इस ये आपकी रेफरेंस लाइन है, ऊपर जाते हो तो पॉजिटिव, नीचे जाते हो नेगेटिव, तो −6 का मतलब क्या हो गया, यहाँ कहीं आ गया 2, 4, ये यहाँ मान लेती हूँ मैं −6 आ गया, ठीक है। और उसके बाद आपका इधर जितना आता है, कितना आता है आपका आर बी, कितना आया हुआ था, 9 आया हुआ था, तो 9 यहाँ से आप कितना ले लेते हो उसको,
9 ले लोगे तो 9 तो कुछ यहाँ से आएगा, है ना। ये सारे पॉइंट्स हमने लगा लिए, इनकी वैल्यू भी लिख लो आप। ये 2 किलो न्यूटन की है, 2 है, और एफ डी पे भी अपना 2 ही था, इधर भी 2 ही था, और 2 किलो न्यूटन, ठीक है। और आपका इधर कितना था, एफ ई पे -6 था, ये आपका 6 किलो न्यूटन, माइनस नहीं लिखती मैं यहाँ, ये आपका 9 है, ठीक है। अब आप इनको मिलाओ, जब आप मेरे पास स्केल लिए, ये देखो आप इसको ऐसे मिला दोगे, ठीक है। यहाँ कोई लोडिंग नहीं है, स्ट्रेट आ गया, बिल्कुल लोडिंग है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपका कितना जाता है, सॉरी, यहाँ पे आपका इस पॉइंट पे आपका जाता है, ये कितना है आपका, 6 है ना, ये आपका 6 चला गया, मैं यहाँ पे 6 ले जाती, इस पॉइंट पे 6 आ गया, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे मिला देती हूँ मैं इसको, ठीक है, ये 6 आपका चला जाता है। और ये देखो कैसे करेंगे आप, ये देखो इस पॉइंट पे आप एक बार ना वो निकालो, इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ एक बार। इसका मैंने अभी पे सिर्फ इसे कैलकुलेशन में नहीं किया था, इस पॉइंट पे यदि आप खड़े होते हैं एफ ई पे, एफ ई पे यदि मैं सिर्फ इस पॉइंट पे खड़ी हूँ एक बार, इसी पॉइंट पे इधर देखती हूँ, सिर्फ यूडियल यूडियल का लेते हैं हम लोग, तो क्या था हमारा कि एफ ई के ऊपर खड़ी हूँ मैं, जब मैं उस एफ ई पॉइंट पे खड़ी हूँ तो 5 किलो न्यूटन तो लोड के फिर खड़ी हूँ मैं, उधर उसके इस साइड देख रहे हैं एक बार, आप उस पॉइंट को नहीं ले रहे, आप एफ ई पे आप देखोगे तो यहाँ से आपका आर ए कितना गया है, 8 किलो न्यूटन का गया, फिर क्या गया आपका 4 × 1.5 का गया, -2 × 1.5 का गया आपका। इसके अंदर मैंने 5 नहीं लिया, मैं 5 के ऊपर खड़ी हूँ जस्ट इधर, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है आपका, 1.53 आ गया ना, 3 और 6 -1 आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका यूडीएल के लिए, यदि यूडीएल का सिर्फ देखें कंसीडर करें, तो यूडीएल के लिए ये वैल्यू कितनी आ जाती है, एक बार -1 आ जाती है, यानी कि 1 आ गई नीचे की तरफ 1। फिर उससे फिर यदि मैं इस पॉइंट पे खड़ी होती हूँ तो ये नीचे आया ना, ये नीचे आया, इस पॉइंट से नीचे गए तो कितना गया, 6 गया नीचे। और यहाँ देख लो ये 5 किलो न्यूटन का लोड था अपना, ये कितने का था, 5 का ही था। तो आप देख लीजिए, चाहे आप देखो ये 1 आ गया, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 है, और 1 से आगे फिर कितना गया, 5 गया है, तो यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया अपना 6, और यहाँ पे कितना आया हुआ है, ये 9 आया हुआ है, तो इस 6 को किससे मिला दूंगी मैं, 9 से मिला दूंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझना, देखो एक तो मैं यूडीएल की वजह, इसमें दो लोड कंसीडर होते हैं, यदि मैं यहाँ आती हूँ इस पॉइंट पे आती हूँ तो मैं यूडीएल, क्योंकि हमें पता है कर्व भी अलग अलग बनेगी, यदि मैं यूडीएल का भी तो पहले कंसीडर करूँगी, जब मैं यूडीएल का कंसीडर कर रही हूँ तो समझो आप बिल्कुल इस ये जो आपका पॉइंट लोड लग रहा है उसके जस्ट इस साइड देख के, इस साइड देख रही हूँ मैं, जब इस साइड देखा तो मेरा डायग्राम इतना बना, ये बना डायग्राम, ठीक है। अब क्या हुआ, इतना डायग्राम बना, अब क्या हुआ, अब मैं इस जो पॉइंट लोड लग रहा है उससे जस्ट मैं इधर आ गई, जब मैं जस्ट इधर आ गई हूँ तो कहने का मतलब कि मेरा 5 और नीचे आ गया, 5 और नीचे आ गया, तो 5 और नीचे आ गया तो टोटल कितना नीचे आ गई, मैं 1 पहले आई हुई थी, 5 अब आ गई तो 6 आ गई। ये तो मैंने कैलकुलेट करके आपको इधर दिखा भी दिया था कैसे आया ये। तो ये हमारा क्या, कौन सा डायग्राम बन गया है जी, शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। अब इस शेयर फोर्स डायग्राम से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम लोग करेंगे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। इसके ना आप वो लिख लो, डिस्टेंस भी लिख लो, ये डिस्टेंस कितना है, क्योंकि हमें चाहिएगा ना, ये 1.5 मीटर है, ये कितना है 1.5 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 मीटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 1.5 मीटर है, समझ आ रहा है ना। ये देखो ये बेंडिंग, ये शेयर फोर्स डायग्राम बना है, यहाँ शेयर फोर्स कितना है आपका, यहाँ पे शेयर फोर्स क्या है आपका, 0 है, जहाँ शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है, ये पहले लोड और रिलेशन के अंदर मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, ये पॉइंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आती है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग देखते हैं। ये देखिए एम ए इज इक्वल टू 0, क्यों एम ए इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे तो मोमेंट हमारी 0 ही है, सिंपली सपोर्टेड है ये। अब मुझे एम सी चाहिए, एम सी मुझे पता है एम सी माइनस एम ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है।
अब इसका कौन सा एरिया, ये रहा, ये है ना, ये चीज तो बनी है अपनी, इसका एरिया कैसे, वही मैंने बताया था आपको, ट्रेपोजियम है ये, 8 + 2 डिवाइडेड बाय 2 × 1.5, यानी ये बन गया आपका 1.5 × 5, यानी आपका आ गया ये 7.5 किलो न्यूटन मीटर। पहले मैं सारी निकाल लेती हूँ, ठीक है, इस पॉइंट की आ गई। अब मैं डी पॉइंट पे लिखती हूँ, ये क्या, ये अपनी क्या, ये एम सी माइनस एम ए तो जीरो है, तो यानी ये वैल्यू किसकी आ गई, एम सी इज इक्वल टू आ गई 7.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक आ रहा है ना समझ। अब हम जाते हैं एम डी पे, इस एम डी, एम डी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, एम डी हमें निकालनी है, मुझे पता है एम डी माइनस एम सी इज इक्वल टू क्या होगा, इसका एरिया, इसका एरिया क्या होगा, 1.5 × 2, ठीक है। एम डी की वैल्यू तो फाइंड आउट ही करनी है, एम सी की वैल्यू मेरी कितनी है 7.5 है, और ये कितनी होगी 3 होगी, तो एम डी इज इक्वल टू क्या होगा, 3 + 7.5 यानी कि 10.5 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर हुई बात। अब हम लोग आते हैं इस पॉइंट पे, मुझे मूमेंट चाहिए, पहले मुझे इस पॉइंट पे मूमेंट चाहिए, इस पॉइंट पे मूवमेंट के लिए मुझे ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस तो मुझे पता ही नहीं है। मुझे ये पता है कि पहले मैं ये निकाल, इसको मैं थोड़ा लार्ज करके दिखाती हूँ, देखो आप अपना ये यहाँ दिखाती हूँ आपको, ये देखिए आप, सिर्फ इतने इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को, सिर्फ इस वाले पोर्शन के अंदर मेरा ये कैसे बन रहा है, ये देखो आप, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 2 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 1 है, क्यों, UDL की वजह से आया था ये, और ये आपका क्या बन गया, एक आपकी एक शेप बनी थी। मुझे डिस्टेंस नहीं पता था, मैं ऐसा करती हूँ, ये डिस्टेंस मैं मान लेती हूँ x, ये टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 1.5 मीटर है दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस कितना रह गया जी आपका 1.5 माइनस x रह गया, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, मुझे x चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ये दो ट्रायंगल बन गए, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए ना, सिमिलर ट्रायंगल के अंदर प्रॉपर्टी लग जाएगी जो इसकी साइड्स होंगी 2/1, ठीक है, इसका डिवाइडेड बाय ये, इसका डिवाइडेड बाय ये, 1.5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x इज इक्वल टू 1.5 माइनस एक्स, यानी कि 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.5, यानी कि 3x इज इक्वल टू 1.5, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.53, यानी कि 31/2, यानी कि 0.5 मीटर आ गया आपका, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 0.5 मीटर आ गई, तो ये कितनी आ गई आपकी 1 मीटर आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, हमें यही चाहिए था ना, अब हम मुझे क्या चाहिए, m, इस पॉइंट को मैं e मान लेती हूँ, मुझे m e चाहिए, यानी कि मूमेंट एट पॉइंट e चाहिए, e पे मूमेंट चाहिएगी, तो मैं क्या करूँगी, आपका e ये C और D, मुझे पता है एम ई माइनस एम सी इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है जी। अब एरिया कैसे निकालोगे आप, ये देखो आपका ये बन गया ना, ये चीज़ तो बनेगी, ये इतना पोर्शन बनेगा ना, ये आपका कैसा पोर्शन बन जाएगा, शियर फोर्स डायग्राम के अंदर आपको ये बन गया, ये आपका 2 है, ये आपका 1 मीटर रह गया, ठीक है। आपको इस पॉइंट की मूवमेंट चाहिए, ये आपका पॉइंट है सी डी, और ये पॉइंट है आपका ई, मुझे पता है एम ई माइनस एम डी किसके इक्वल होगा, इस एरिया के इक्वल होगा। ये कौन सा है एरिया, ये डायग्राम कहाँ से लिया आपने, शियर फोर्स का डायग्राम उठाया है। तो कैसे करोगे, बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आपका आ गया एम ई माइनस एम डी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 आ गया, एम ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 + MD आ जाएगा, 1 + MD, ठीक है। ये तो मैं यहाँ पे बता ही रही थी, ठीक है। ये देखिए आप,
तो अब हम लोग एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, अभी मैंने यहाँ आपको कैलकुलेट करके दिखाया है सारा कैसे, ये सारा ये हमने निकाल लिया था, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई टू किया तो ये वन आ गया, यानी कि एम ई माइनस एम डी की वैल्यू आपकी 10.5 आई है इज इक्वल टू एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम अभी आया है आपका वन, एम ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 10 + 5 + 1 यानी कि 11.5 किलो न्यूटन मीटर आ गई आपकी। मुझे लगता है समझ भी आ गया। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तक करोगी जहां पे आपका शियर फोर्स जीरो होगा, जहां पे शियर फोर्स मिनिमम है वहां पे बेंडिंग मोमेंट आपकी क्या जाएगी, मैक्सिमम जाएगी, आपकी एम ई पे भी आ गई। अब आओ आप इस पॉइंट, ये इस पॉइंट का नाम जहाँ पे आपका शियर फोर्स, इस पॉइंट का नाम कुछ एम ई नहीं है एक्चुअली, कुछ इसको ई लिया था तो एफ ले लो इसको, या ई डैश ले लो इसको, क्योंकि ई हमने ये लिया था, ये वाला लिया था ई, और ये कौन सा ले लेती हूँ मैं, ई डैश ले लेती हूँ, ई डैश, ठीक है, क्योंकि ये तो इनके बीच का है ना, ये देखो ये ई ई ई तो ये लिया था हमने, मैंने इस पॉइंट पे निकाली है, इस पॉइंट पे यहाँ पे मैक्सिमम आएगी ना, ई ई डैश ले लिया इस। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एम ई पे भी चाहिए, एम ई पे मूवमेंट चाहिए, एम ई पे मूवमेंट क्या होगी, अब देखो आप ये डायग्राम किसके बीच में बन रहा है, ई डैश और ई के बीच में बन रहा है, इसको इनराज करके दिखा देती हूँ मैं, ये देखिए आप, ये बन गया आपका ऐसा ऐसा डायग्राम, ये क्या है आपका ई है, ये आपका ई डैश है, ये वैल्यू आपकी 0.5 है, ये वैल्यू आपकी 1 है, आपको ये बेंडिंग मोमेंट पता है, इस पॉइंट की मोमेंट निकालनी है, वही रिलेशन है मेरा, एम ई माइनस एम ई डैश इज इक्वल टू क्या होगा इसका एरिया, एरिया वही, ये नेगेटिव के अंदर है, माइनस में है ना, नीचे की तरफ है, 1 × 0.5 डिवाइडेड बाई 2। एम ई तो फाइंड आउट करनी है, ठीक है, एम ई तो हमें फाइंड आउट करनी है, और एम ई डैश अभी हमने निकाली है 11.5, ठीक है, और ये कितनी आ जाएगी, माइनस का 0.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.25, और आपका एम ई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 0.25 प्लस का 11.5 यानी कि 11.25 किलो न्यूटन मीटर आ गया आपका, ठीक है जी। एम ई कितना आ जाएगा आपका, वही चीज़ वही यहाँ पे लिखूँगी मैं, हमें पता है एम ई माइनस एम ई डैश इज इक्वल टू एरिया, एरिया मैंने अभी निकाल के दिखाया आपको, 11 एरिया था आपका 0.25, माइनस का 0.2, माइनस क्यों लिख लिया, क्योंकि ये चीज़ नीचे की तरफ है, इसलिए एम ई, और इसकी वैल्यू कितनी थी अपने पास 11.5, और यानी कि एम ई की वैल्यू आ गई आपकी 11.5 माइनस 0.25 यानी कि 11.25 किलो न्यूटन मीटर आ गई। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है जी। अब देखो आप यहाँ इस पॉइंट पे भी आ गई आपकी, और यदि मैं एम बी निकालना चाहूँ, एम बी तो मुझे पता ही है मेरी जीरो होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल क्या बना देंगे, इसका डायग्राम बना देंगे, बिल्कुल हाँ जी। अब हम लोग क्या, वो सारी बेंडिंग मोमेंट हर पॉइंट की मोमेंट्स निकाल ली हमने, अब हम लोग इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। पहले हमने सिंपल बीम बना लिया जो था, ये मैंने ई पॉइंट लिया था जिस पे, जिस पॉइंट पे क्या लग रहा था हमारा पॉइंट लोड, ये ई डैश कौन सा था, ई डैश हमने वो लिया जहाँ पे शियर फोर्स मेरा जीरो है, ठीक है, उस पॉइंट को मैंने क्या ले लिया, ई डैश मान लिया, और हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली थी क्योंकि मुझे पता था ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ रखेंगे, जो वैल्यूज़ आपको अभी हमने निकाल ली है, एम ए पे तो जीरो है, सी पे कितनी आई थी, एम सी कितनी आई थी अपनी, एम सी आई थी 7.5, ठीक है, मैंने ले ली 7.5, मैं चलो यहाँ ले लेती हूँ 7.5, ठीक है। आगे एम डी पे देखते हैं अपा, डी पे एम डी पे कितनी आई थी, एम डी आई थी 10.5, यानी इससे थोड़ा सा ऊपर ही आएगी थी 10.5, ठीक है। और फिर अपनी एम ई डैश लूँ क्या पहले, या एम ई ले लेते हैं, हाँ एम ई डैश ले लेते हैं, चलो ये एम ई डैश, ये एम ई हो जाएगा, इनकी प्रोजेक्शन उतारते जाओ आप ना, प्रोजेक्शन से सही आ जाता है, ठीक है। एम ई डैश आपका आया था 11.5,
ये आ गया आपका 11.5 और ये वैल्यू आई थी आपकी 11.25 और ये मुझे पता है ये कितनी है आपकी, ज़ीरो है। तो मिला दो यहाँ पे, ये आपकी पैराबोलिक जाएगी, यहाँ से आपकी कोई लोड नहीं है, यानी कि स्ट्रेट जाएगी बिल्कुल, ठीक है। ये आपकी क्या चलेगी, स्ट्रेट चलेगी, फिर यहाँ पे क्या जाएगी, ये पैराबोलिक जाएगी, और फिर पैराबोलिक जाती 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 ये यहाँ ए पॉइंट, ठीक है जी। मुझे लगता है आपको समझ भी आ गया होगा, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू। इनका